नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रीड मैसेलन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग जो कक्षा 7 की प्रश्नावली हमारी जो स्टार्ट किया था, प्रश्नावली नंबर 11, तो उसका आज हम पढ़ेंगे 11.2। देखो 11.2 में हमें क्या दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 1 में काफ़ी सारे चतुर्भुज दे रखे, 5 चतुर्भुज दे रखे हैं, और क्या पूछ रहा है, इन समांतर चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो देखो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है देखो आधार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र क्या होता है, आधार गुणा में क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुणा में क्या होता है, ऊंचाई। ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो हर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई की माप आपको दे रखी है, केवल क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ, आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 4, कितना हो 7 चौक 28, आगे क्या है सेंटीमीटर, आगे सेंटीमीटर लगाओ तो उसका क्या जाएगा स्क्वायर। अब देखो इसका 28 आ गया, अब बी नंबर का निकालते हैं, उसका आधार 5 है और ये 3 है, ऊंचाई 3 है। अब देखो क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा, 3 से, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद देखो सी नंबर, सी नंबर में देखो 2.5 और 3.5, क्षेत्रफल बराबर 2.5 गुणा 3.5। देखो आप लोगों को ना डायरेक्ट नहीं करना है, मैंने यहाँ पे ना सूत्र लिखा है, हर चतुर्भुज के नीचे आपको सूत्र लिखना है कौन सा, ये वाला सूत्र लिख के फिर ही प्रश्न को आगे हल करना है। तो अब देखो मैं इसको हल कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 पंजे कितना होता है 125, और हासिल की 12 25 75 75 और 12 कितना होता है 87, तो ये कितना हो गया 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 गुणा 4.8, क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 4.8। जब 4.8 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आता है, 8 पंजा 40, और देखो 5 चौक 20 और 4 कितना 24.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी डी वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 24.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद देखो 4.8 इस पर चलते हैं, ये 4.4 दे रखा है और 2 दे रखा है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं इसका क्या आएगा, 4.4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, क्या आएगा 8.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग है ना कोई भी चतुर्भुज दे रखा है उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 के अंदर, तो इधर प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखो, प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज का क्या निकालना है, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज को मैं सिंबल से लिख रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 आधार गुणा क्या होता है ऊँचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे देखो प्रत्येक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई सब लोग सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, केवल आपको मान रखना है। तो ए नंबर का मैं निकालता हूँ, 1/2 को किससे गुणा करूँगा, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3। देखो मैं काट रहा हूँ 2 बार और कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 के अंदर चलते हैं, इधर 3.2 है, उधर कितना है 5 है, बराबर 1/2 गुणा 3.2 गुणा कितना 5। जब मैं 2 को 3.2 से काट रहा हूँ तो कितना आएगा 1.6, 1.6 को जब गुणा करूँगा 16 पंजे कितना होता है 80, 8.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद चलते हमारे तीसरे नंबर के सी में, इसको देखो 1/2, आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, काट दूँ 2 बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं डी नंबर में, क्या दे रखा है 3 और 2, तो 1/2 कितना आएगा, आधार 3, ऊंचाई 2, 2 से 2 कट गया कितना बचा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग कोई भी त्रिभुज दे रखा है उसकी ऊंचाई आधार दे रखा है तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 के अंदर, प्रश्न नंबर 3 के अंदर आप लोगों के पास कुछ ऐसी सी टेबल दिख रही है, लगभग सी ऐसी टेबल है, उसके अंदर देखो कहीं पर ऊंचाई गायब है, कहीं पर आधार गायब है, फिर ऊंचाई गायब है। आप लोगों को क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई करते तो क्या मिलता है हम लोगों को, क्षेत्रफल मिलता है। तो यहाँ पे देखो ऊंचाई नहीं है, आधार दे रखा है, तो आधार कितना है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 20। जो भी संख्या निकालनी है, जैसे मुझे ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है तो क्या करूँगा, क्षेत्रफल कितना है 246, उसके अंदर किसका भाग दूंगा 20 का। देखो ऊंचाई निकालनी है, क्षेत्रफल में किसका भाग लगाऊंगा, आधार का, क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है 246 और आधार कितना है 20। जब 246 में 20 का भाग लगाता हूँ तो देखो इधर कितना आता है, ये आएगा 1, 2, 3 यानी 12.3 सेंटीमीटर, 12.3 कितना सेंटीमीटर आएगा। देखो जब मेरे को आधार निकालना है, आधार बराबर क्षेत्रफल कितना है 154.5,
और नीचे देखो ये कितना है, 15 है, तो 15 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट उठाना है, तो पॉइंट उठा के मैं इधर 10 यानी गुणा में क्या कर दूँ, 10 कर दूँ। पॉइंट उठाया गुणा में 10 लीजिए, ऊपर कितना बच रहा है 1545, और उसके अंदर मैं यदि 15 का भाग दूंगा, देखो कितनी बार जाता है, 15 × 15 = 0, 15 × 3 = 45, फिर 10 का भाग लगाऊंगा यानी क्या आएगा 10.3 सेंटीमीटर, इसको उतराएगा 10.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर क्या निकालना है, ऊँचाई निकालना है, ऊँचाई बराबर 48.72 / 8.4, कितना आएगा 48.72 और 8.4। यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पॉइंट उठाऊँगा और पॉइंट उठा के नीचे क्या कर दूँगा 100 से गुणा, इधर से पॉइंट उठाऊँगा ऊपर क्या कर दूँगा 10 से गुणा, दोनों तरफ पॉइंट उठा दिया। अब देखो यहाँ पे ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है कि ऊपर वाला, बिल्कुल कटेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 32, कितना आया 121, 18। अब इसके अंदर देखो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, चलो काटते हैं, 3 × 3 = 7 = 21, 3 × 4 = 12, 0 × 3 = 18, 406। अब देखो 7 × 5 = 35, फिर 5 × 5 = 56, यानी 7 से कट रहा है नहीं, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56, तो ऊपर कितना बच रहा है 58 × 10, और नीचे कितना 100 × 10 = 10 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 5.8, यानी तीसरे नंबर की टेबल का आंसर क्या होगा 5.8। इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर की टेबल पे, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यहाँ भी क्या निकाल रहे थे, आधार, आधार निकाल रहे थे यहाँ पे। अब देखो ऊँचाई, ऊंचाई निकालना है तो भी क्या करना है, क्षेत्रफल के अंदर किसका भाग देंगे 15.6 का, यानी 16.38, और इसके अंदर किसका भाग दूंगा 15.6, 1 पॉइंट उठा के ऊपर 10 से गुणा, और इधर से उठा के नीचे किससे 100 से गुणा। संख्या देख लेना, यदि 0 पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, 2 0, आगे 1 संख्या है तो 1 0। यहाँ पे देखो नीचे कितना आ रहा है 156, और ऊपर कितना है 1638। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा, चलिए 3 से देख लो, 3 से कट रहा हो तो 3 से कट रहा है, देखो 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, 52 आ गया, फिर काट रहे 3 × 5 = 15, 3 × 12 और 3 × 6 = 18, 546 और नीचे कितना 52, ऊपर 546 नीचे 52। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, देखो 4 से कट रहा हो तो 4 से नहीं कट रहा है, फिर 3 से देख लो अगर कट रहा हो तो 3 से भी नहीं कट रहा है, चलिए 546 में किसका भाग लगाएंगे 52 का लगाएंगे, 13 से कट रहा हो तो 13 से कट रहा है, 13 × 52, 13 × 52, 13 × 2 = 26, यानी 42/4, 42/4, और गुणा में 10 और नीचे गुणा में कितना 100, 10 से 10। अब देखो नीचे कितना है 10 है, ऊपर देखो मैं इसमें भाग दे रहा हूँ कितना आ रहा है 4 × 4, और कितना आएगा जो 2 में भाग नहीं जाता है तो क्या आएगा 0.5, 4 × 5 = 20, लेकिन ये जो एक और 0 लगेगा तो इधर इसका आंसर क्या आएगा 0.15 सेंटीमीटर, क्या आंसर आ रहा है 0.15 सेंटीमीटर, सही है 0.15 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 के अंदर, प्रश्न भर रहा है और क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था पहले प्रश्न में 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है ऊँचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो जब हमको आधार निकालना है, जब आधार निकालना है तो देखो क्या करेंगे, आधार बराबर, आधार बराबर क्षेत्रफल गुणा 2/2 क्या आएगा ऊंचाई, और जब ऊंचाई निकालना हो तो क्या आएगा, ऊंचाई निकालना हो तो क्षेत्रफल गुणा 2/2 आधार, यानी क्या करना है क्षेत्रफल को 2 से गुणा करना है और जो भी चीज़ निकालनी है उसका भाग लगाना है। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऊंचाई निकालना है, पहले वाले में मैं ऊंचाई निकाल रहा हूँ, क्या करूँगा क्षेत्रफल कितना है 87 को किससे गुणा 2 से, और किसका भाग दूंगा 15 का, 87 को किससे गुणा 2 से और 15 का भाग, चलिए इसको काटते हैं, कट रहा हो तो 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 58 होता है 58, और यहाँ पे कितना 5, इसमें भाग दे रहा हूँ 5 × 5 और 18 बच रहा है 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30, यानी 13.6 सेंटीमीटर क्या आएगी ऊंचाई, 13.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा 13.6। इसके बाद चलते हैं आधार पे, आधार, आधार जब मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 1256 mm को किससे गुणा करूँगा 2 से गुणा करूँगा, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 31.4, यहाँ से पॉइंट उठा के ऊपर मैं 10 लगा सकता हूँ,
यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लगा सकता हूँ। सबसे पहले इस दो को मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 1, 5 और 7, 157। चलिए 157 को किससे कट रहा है, ये कट रहा है कि किसका भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार 157 का भाग इसमें जा रहा है, 8 को, और 8 को 10 से गुणा करूँगा कितना आएगा 80 mm, यानी इसका क्या आएगा आधार 80 mm का। इसके बाद देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई में भी सेम फॉर्मूला, ऊंचाई बराबर क्या करेंगे क्षेत्रफल 170.5 को किससे गुणा 2 से गुणा, और भाग किसका लगाना है 22 का, 22 का भाग लगाना है, इधर से एक पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाएंगे 10, यहाँ पे कितना है, अब कितना बच गया 1705। यहाँ पे देखो 2 से काट के यहाँ पे कर रहा हूँ 11, अब देखो 11 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार जा रहा है, एक बार जाएगा पहले तो 6 बचेगा, 5 बार जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार, एक बार, फिर 5 बार, फिर 5 गया, 5 बार, 155 कितना आया, 155 बटा कितना 10 बराबर कितना आएगा 15.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना आता है तो आराम से आधार ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू आर आई एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी देखो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, क्या नाम है इसका, मैं नाम लिखना भूल गया, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम क्यू एम क्या दे रखी है 7.6 दे रखी है, और एस आर यानी एस से लेके आज तक की दूरी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो देखो अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकालते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, आधार गुणा ऊंचाई, जब आधार गुणा ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार है एस आर, ऊंचाई क्या है क्यू एम, जब एस आर यानी 12 को क्यू एम 7.6 से क्या करेंगे गुणा, चलिए गुणा करते हैं, 12 6 72 हासिल की 7, और वास्तव में 84 और 7 कितने हो गए, 84 और 7 कितने हो गए 91, यानी 91.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, यदि क्यू एन बताना है हमें, क्यू एन बताना है, क्यू एन कौन सी है, क्यू और एन यानी ये वाली ऊंचाई बतानी है, बी बराबर क्यू एन बराबर क्यू एन का मान निकालना है, यदि पी एस बराबर क्या हो 8 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी पी एस को यदि मैं आधार मान लूँ, पी एस को यदि मैं आधार मान लूँ, पी एस, पी एस गुणा ऊंचाई देखो यहाँ पे क्यू एन, क्यू एन तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल कितना देगा यहाँ पे 91.2, क्षेत्रफल 91.2 ये कितना है 8, यानी 8 क्यू एन बराबर कितना 91.2, तो क्यू एन बराबर निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे 91.2 में किसका भाग 8 का भाग, 91.2 में जब मैं 8 का भाग जा रहा हूँ कितनी बार जाएगा देखते हैं, 8 एकम 8, 11 बचा, फिर 8 एकम 8, फिर कितना बचा 3, 8 8 32, 11.4 सेंटीमीटर, इसका आंसर है 11.4 सेंटीमीटर। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 के अंदर, प्रश्न नंबर 6 के अंदर देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 1470, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर, तो डी एल की क्या करनी है ऊंचाई याद करनी है, और यदि ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर तो ए बी की ऊंचाई याद करनी है। देखो यहाँ पे निकाल सकता हूँ, सबसे पहले यदि मैं ए बी को आधार मान लूँ, ए बी को आधार मान लूँ, यहाँ पे ए बी को आधार मान लूँ तो देखो ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पे डी एल, ए बी को यदि आधार मान लो तो ऊंचाई डी एल होगी, बराबर क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहला प्रकार तो ये हो जाएगा, यदि मैं ए डी को आधार मान लूँ, यदि मैं ए डी को आधार मान लूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी एम बी, ऊंचाई क्या हो जाएगी एम बी, ऊंचाई एम बी बराबर क्या निकलेगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो इसके अंदर मान रखना है और अपना आंसर अपने सामने, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1470, ए बी का मान कितना है 35, ए बी का मान 35, डी एल नहीं है अपने पास तो इसको रहने दो, ये कितना आएगा 1470। अब यदि डी एल का मान निकालना है तो 1470 में किसका भाग 35 का भाग, 1470 में किसका भाग 35 का, कट रहा है 5 से काट लो, 7 5 35, ऊपर देखो 5 से काट रहा हूँ, ये तो 7 बार कट गया, तो इसको ऊपर 5 से काट रहा हूँ, 5 2 10 5 9 45 5 4 20 कितना आ गया 294, तो कितना कितनी बार कटेगा ये 7 से, तो डी एल बराबर देखो 7 से कितना बट रहा है 7 4 28 7 2 कितना 14 42 सेंटीमीटर, डी एल का मान कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ए डी गुणा एम बी, ए डी गुणा एम बी, यहाँ पे ए डी का मान कितना दे रखा है 49, ए डी का मान 49, एम बी एम ए निकालना है, एम बी बी एम ए की बात है, यहाँ पे कितना है 1470, तो एम बी बराबर
1470, और इसमें किसका भाग देना है, 49 का। इसमें यदि 49 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, तीन बार जाएगा, तीन से गुणा करो इसको, 27 12 तीन बार जाएगा तो कितना आएगा, 30। यानी बी एम बराबर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो चलते हमारे प्रश्न नंबर 7 के अंदर। नंबर 7 में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, और त्रिभुज भी कैसा है, यहाँ पे समकोण है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल ए बी सी का यदि मैं क्षेत्रफल लूँ तो क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होगा, ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब देखो 1/2 यहाँ पे आधार क्या है मेरा, बी ए, यानी ए बी, ए बी आधार है, ऊंचाई कितनी होगी, ए सी मान रख दो, ए बी का मान कितना है 5, ए सी का मान कितना है 12, और 12 पंजे कितना होता है 60, 12 पंजे कितना होता है 60/2 बराबर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या आएगा, ए बी और ए बी और सी का क्या होगा, क्षेत्रफल। पहले क्या करेंगे, आधार किसको मानेंगे, सबसे पहले आधार मानेंगे बी सी को, बी सी को आधार गुणा ऊंचाई, बी सी को आधार मानेंगे, ऊंचाई किसको मानेंगे, और अपना क्षेत्रफल कितना आया, 30। चलिए निकालते हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, 1/2 आधार किसको मान लिया मैंने, बी सी को, आधार बी सी को माना, और ए डी को क्या मान लिया, ऊंचाई, आधार बी सी को, ए डी को ऊंचाई निकालना, क्या हमें ए डी निकालना है। चलिए ए डी बराबर क्षेत्रफल गुणा 2/2 क्या आएगा, बी सी, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 को किसे गुणा करना है, 2 से, 30 गुणा 2, और बी सी का मान कितना है यहाँ पे, 13, यानी 60/2 कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। इसको आप लोग चाहो तो निकाल सकते हैं, पॉइंटों में आएगा 60/13 सेंटीमीटर। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 के अंदर, हल करते हैं। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज दे रखा है जो क्या है, समद्विबाहु, यानी ये भुजा इसकी क्या है, समान है। अपने को क्या निकालना है, एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 को किसे गुणा करते हैं, आधार, 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे देखो 1/2 लगाया, आधार क्या देखा है, 9, ऊंचाई कितनी है, 6, यानी 9 गुणा कितना, 9 गुणा 6, देखो इसको काट रहा हूँ मैं, तीन बार कट गया, 9 तो कितना होता है, 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या गया, 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद क्या पूछ रहा है, सी और ई, यानी यहाँ पे ई है, सी और ई की लंबाई पूछ रहा है। यदि मैं आधार ए बी मान लूँ, ऊंचाई सी ई मान लूँ, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या मान लूँ मैं यहाँ पे, आधार ए बी मान लिया, ऊंचाई सी ई मान लिया, आधार ए बी और ऊंचाई क्या, सी ई, आधार ए बी ऊंचाई सी ई ले लिया, सी ई का मान निकालना है मेरे को, तो सी ई बराबर क्षेत्रफल को किससे गुणा करूँगा, 2 से, और किसका भाग दूंगा, ए बी का। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 27, 27 को किससे गुणा करूँगा, 2 से, और ए बी देखो ए बी क्या है यहाँ पे, 7.5 ए बी है। तो ऐसे देखो 1.8 के ऊपर मैं 10 लगा रहा हूँ इसको हल करने के लिए, 1.8 है, ऊपर क्या लगाया, 10 लगाया, यहाँ पे काट रहा हूँ, 3 से 9 30 27 और 25 कितना होता है, 75 और 5 दूनी कितना, 10, क्या आ रहा है, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना, 36, और 36 में किसका भाग, 5 का, 36 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। देखो 4, 9, 4, 36 और 36 में किसका भाग देंगे, 5 का, 2, 9, 36 का भाग, 5 × 35 कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, यानी सी का मान, सी से लेके ई का मान क्या आएगा, 7.2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 11.2 यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।